नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलीशा। पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी के निकल जाने के बाद अब जल जनित बीमारियों से स्थानीय लोगों को बचाए रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर, कंकड़बाग सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में 24 मेडिकल कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में लगभग 100 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इनमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। विभाग ने आयुष चिकित्साओं को भी इन विषय कैंपों में तैनात किया है। पटना के विभिन्न प्रखंडों से भी बुलाकर कर्मचारियों का मेडिकल कैंपों में तैनात किया गया है। इन शिविरों में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ पैरासिटामोल, ORS और दूषित जल को साफ करने की दवा के अलावा कई महत्वपूर्ण दवाइयां लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जल जमाव प्रभावित लोगों ने बताया है कि शिविर में विभाग की ओर से अच्छी सुविधा है और यहां दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मनेर से आई डॉक्टर निवा पांडे ने बताया है कि यहां एक दिन में लगभग 500 मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कैंप में चमड़े की बीमारी, आंखों में जलन से ग्रसित लोग ही ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि शहर में विभाग की ओर से 3 दिनों के लिए कैंप लगाए गए हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए यह आगे भी लगाया जाएगा। हम आयुष डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक हैं और आयुष के टीम के तहत नियोजित हैं नौबतपुर BHC में। अभी हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ वाला सिचुएशन हो गया था और महामारी फैलने का डर है, इसके कारण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा हेल्थ कैंप लगाया गया है पूरे जगह में, पूरे पटना में, और अभी खास करके कंकड़बाग में कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि यहाँ से ज़्यादातर दिक्कत वाला चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल स्किन के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए सारा दवाई अवेलेबल है, बुखार का और लूज मोशन का, ये 3 चीज़ का ज़्यादा पेशेंट आ रहा है। सारा दवाई अवेलेबल है, सब सुविधाएं जो आ रहे हैं उन लोग को दिया जा रहा है और देखते हैं आगे से सिचुएशन कैसा रहता है। कितने लोगों का अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है? ट्रीटमेंट तो अभी हम लोग यहाँ कल से हैं तो अभी तक लगभग 500 हो गया है। हम लोग का 2 दिन का OPD लगभग 500 पहुँच गया है। यह स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो यहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके कारण जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे डायरिया, चर्म रोग, किसी को फीवर आ रहा है और आई में इरिटेशन है, इचिंग है या फीवर आ रहा है उसके लिए हो गया आपको, प्लस किसी को घाव हो जा रहा है, इसी तरह के बहुत सारे डिजीज हैं जिनका हम ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑन स्पॉट कर रहे हैं। कितने लोगों का आपने अभी तक ट्रीटमेंट किया? अभी तक मोर देन 500 कल से आज तक। सब इसी इलाके के हैं या दूसरे इलाके? सब यहीं के अगल बगल अराउंड 5 किलोमीटर के अंदर होंगे। सारी दवाइयाँ पर्याप्त हैं यहाँ पे? जी सर। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।